आपने देखा होगा कि कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करते समय वो ब्रांड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे प्रोडक्ट कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो। पता उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जितने भी टॉप ब्रांड होते हैं, स्टैंडर्ड ब्रांड्स होते हैं, वो अपनी क्वालिटी, अपने फीचर्स और अपनी सर्विसेज पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रांड अगर होगा तो वो कॉस्टली ही होगा। कई बार जितने भी टॉप ब्रांड्स होते हैं वो टाइम टू टाइम ऑफ सीज़न में या फिर टाइम टू टाइम किसी भी कैंपेन के थ्रू अपना ऑफ़र देते हैं, और उस ऑफ़र, जब वो ऑफ़र चल रहा है, कोई डिस्काउंट चलता है, तो आप वही प्रोडक्ट, वही सर्विसेज लोकल ब्रांड के प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने SDFC अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की। फ्रेंड्स, ऑप्टिमा सिक्योर पर मैंने मार्च के महीने में एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ पॉइंट्स थे जो छूट गए थे, मैंने कवर नहीं किए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको SDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के अपडेटेड रिव्यू देने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने सारे ही पॉइंट्स को कवर किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम SDFC अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की। और SDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर एक ऐसा प्लान है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो 100% है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो ये इंडिकेट करता है कि वो कंपनी कितनी कस्टमर ओरिएंटेड है, कितनी कस्टमर फ्रेंडली है। SDFC अर्गो के फीचर्स भी कुछ इस तरह से बनाए गए हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि उनको पूरी तरह से कस्टमर फ्रेंडली दिया गया। इसका सबसे पहला फीचर है सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट मीन्स बाय गेट वन गेट फ्री। आप 10 लाख रुपए का अगर समय छोड़ लेंगे तो आपको 20 लाख रुपए का समय छोड़ मिलेगा, वो भी डे वन से। आप 2 करोड़ रुपए का समय छोड़ लेंगे तो आपको 4 करोड़ रुपए का समय छोड़ मिलेगा, वो भी डे वन से। दूसरा इसमें बेनिफिट रखा गया है प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट में आपका समय छोड़ 50% एनुअली इंक्रीज होगा और मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। और प्लस बेनिफिट नो क्लेम बोनस नहीं है, अगर आप क्लेम भी लेंगे तो भी आपको प्लस बेनिफिट मिलने जा रहा है। तीसरा है रिस्टोरेशन, रिस्टोर बेनिफिट। रिस्टोरेशन आजकल हर पॉलिसी में होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस पॉलिसी में भी अनलिमिटेड रिस्टोरेशन सेम पर्सन सेम इलनेस पर रखा गया है। चौथा बेनिफिट है प्रोटेक्ट बेनिफिट। प्रोटेक्ट बेनिफिट यानी कि जितने भी कंज्यूमेबल्स आइटम हैं, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उनको इस पॉलिसी में कवर किया गया है और इस पॉलिसी को जीरो डेप्रिशिएशन पॉलिसी बना दिया गया है। यानी कि हॉस्पिटल जाने के बाद आपको ऑलमोस्ट सारे ही एक्सपेंसेस इसमें आपके कवर होने जाने वाले हैं और आपकी जेब पर यह प्लान बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ने वाला है। तो अब जानते हैं इस प्लान के बेसिक फीचर्स क्या हैं। फ्रेंड्स, इस प्लान में एंट्री एज है 18 ईयर टू 65 ईयर्स, और डिपेंडेंट चाइल्ड की एज होगी 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक। एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड इसको कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद उसको पॉलिसी से स्प्लिट किया जाएगा। समय शॉर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ के ऑप्शन इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों तरह के ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। फ्लोटर में 2 अडल्ट और 4 किड तक का इसमें कवरेज दिया गया है। और अगर हम बात करें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 60 डेज का होगा और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इस पॉलिसी में 180 डेज का होगा, जिस पर कोई कैपिंग नहीं है, जिसको अप टू समय शॉर्ट रखा गया है। होम केयर ट्रीटमेंट को इस पॉलिसी में कवर किया गया है। डे केयर प्रोसीजर सारे कवर कर दिए गए हैं। डोमिसलरी ट्रीटमेंट को भी कवर किया गया है। हालांकि मॉडर्न ट्रीटमेंट को इस पॉलिसी में कवर कर दिया गया है, लेकिन पॉलिसी वर्डिंग में इसको कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी दावा करती है कि वो सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कवर कर रही है। इस प्लान में हॉस्पिटल के रूम रेंट पर किसी भी तरह की कैपिंग नहीं रखी गई है। हॉस्पिटल जाने पर कोई भी रूम ऑप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल जाकर शेयर्ड अकोमोडेशन यानी कि शेयर्ड रूम ऑप्ट करते हैं तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, क्योंकि आप कंपनी के पैसे की बचत करते हैं। आपको 800 रुपये पर डे का हॉस्पिटल कैश दिया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 4,800 रुपये होगी। आयुष ट्रीटमेंट को इस पॉलिसी में कवर किया गया है, अप टू समय शोर्ड कवर किया गया है। ऑर्गन डोनर को अप टू समय शोर्ड कवर किया गया है। साथ ही रोड एम्बुलेंस पर इस पॉलिसी में किसी भी तरह की कैपिंग नहीं रखी गई है, और ये बहुत ही अच्छा और कस्टमर ओरिएंटेड एक फीचर इसमें दिया गया है कि रोड एम्बुलेंस अप टू समय शोर्ड है। और साथ ही एयर एम्बुलेंस को इसमें कवर किया गया है, जिस पर कैपिंग होगी 5 लाख रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन। एनुअल हेल्थ चेकअप इस पॉलिसी में कवर हैं, जो कि एज पर द लिस्ट होंगे। उस लिस्ट को मैं एक बार आपको बता देता हूं कि अगर आप ऑप्ट करते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी 5 लाख रुपए की, तो आपको 1500 रुपए का एनुअल हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। 10 लाख रुपए की पॉलिसी में 2000 रुपए का एनुअल हेल्थ चेकअप, 15 लाख की में 4 लाख 4000 रुपए का एनुअल हेल्थ चेकअप,
20, 25 और 50 लाख की पॉलिसी में 5,000 का एनुअल हेल्थ चेकअप, 1 करोड़ और 2 करोड़ की पॉलिसी में 8,000 रुपये का एनुअल हेल्थ चेकअप इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए लिया जा सकता है। फ्लोटर पॉलिसी में ये लिमिट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, 5 लाख की पॉलिसी में आप 2,500 रुपये, 10 लाख की में 5,000 रुपये, 25 लाख, 15 लाख की पॉलिसी में 8,000, 20, 25 और 50 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपये का एनुअल हेल्थ चेकअप और 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपये की पॉलिसी में 15,000 रुपये का एनुअल हेल्थ चेकअप लिया जा सकता है, जो कि रीएम्बर्समेंट बेसिस पर होगा। आप अपनी पसंद के लैब पर एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए, लैब टेस्ट कराइए, रिपोर्ट्स और कैंसिल चेक और KYC के साथ इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए, आपके अकाउंट में एनुअल हेल्थ चेकअप का पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे इस पॉलिसी के ऑप्शनल बेनिफिट्स की। तो इस पॉलिसी में एग्रीगेट डिडक्टिबल को एज ए ऑप्शनल बेनिफिट दिया गया है। अगर आप एग्रीगेट डिडक्टिबल को चूज़ करते हैं तो आप 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए का एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल ले सकते हैं, जिसमें आपको 15% से लेकर 50% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही एक और ऑप्शनल बेनिफिट इसमें दिया गया है, माई हेल्थ क्रिटिकल इलनेस। माई हेल्थ क्रिटिकल इलनेस में 51 क्रिटिकल इलनेस को कवर किया गया है और सम एश्योर्ड के ऑप्शंस होंगे 1 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक, जो कि मल्टीप्लिकेशन में होंगे 1 लाख रुपए के। क्रिटिकल इलनेस राइडर में होगा कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस ईश्वर ना करे डायग्नोज होती है तो डायग्नोसिस के बेसिस पर पूरा क्रिटिकल इलनेस का कवर यानी कि सम एश्योर्ड का अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर किसी ने मान लीजिए 1 करोड़ रुपये का क्रिटिकल इलनेस एज ए ऑप्शनल राइडर लिया है और कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो डायग्नोज होते ही उसको 1 करोड़ रुपये दे दिया जाएगा, जो कि ऑप्शनल बेनिफिट है, और जो भी उसके इलाज का खर्चा आएगा वो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर होगा। दूसरा इसमें ऑप्शनल बेनिफिट दिया गया है हॉस्पिटल कैश का। हॉस्पिटल कैश का ऑप्शनल बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं, जो कि होगा 500 रुपीज़ पर डे से लेके और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ पर डे एज पर द सम एश्योर्ड ग्रेड। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में डिस्काउंट्स क्या क्या हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं HDFC अर्गो के, HDFC अर्गो की आपके पास कोई भी पॉलिसी है, चाहे वो मोटर पॉलिसी हो चाहे वो हेल्थ पॉलिसी हो, तो आपको इंस्टेंट 2.5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और साथ ही अगर आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा जितने भी मेंबर होंगे उस पर 10% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही इसमें पॉलिसी टेन्यूर डिस्काउंट भी अवेलेबल है। अगर आप 2 साल या 3 साल का प्रीमियम ऑप्ट करते हैं तो आपको 7.5% और 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा पॉलिसी टेन्यूर पर। सो बात करते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की इस पॉलिसी की, जो कि ऑलमोस्ट सेम है सभी पॉलिसीज़ की तरह। इस पॉलिसी में इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का रखा गया है, रोड एक्सीडेंट को डे 1 से कवर किया गया है और स्पेसिफिक डिजीज़ वेटिंग पीरियड वही 2 साल का ही होगा, 24 मंथ्स का ही होगा। और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है यानी कि पॉलिसी के लेने से पहले की बीमारी है तो उसको 36 मंथ बाद यानी कि 3 साल के बाद कवर किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास यानी कि HDFC अर्गो के पास इस समय 13,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आप कैशलेस की सुविधा ले सकते हैं। छोटे छोटे हॉस्पिटल्स के भी उन्होंने कवर किया है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इस प्लान के कुछ खास और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। फ्रेंड्स, इस प्लान को अगर आप 10 लाख रुपए का आज परचेज करते हैं तो ये 2 साल के बाद आपको देगा 4x कवरेज यानी कि 4 गुना कवरेज। वो कैसे देगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस प्लान में एक ऑप्शन है ऑप्टिमा सुपर सिक्योर, यानी कि ऑप्टिमा सुपर सिक्योर ऑप्ट करने के लिए आपको पे करना होगा 3 साल का एक साथ प्रीमियम। 3 साल का एक साथ प्रीमियम पे करने पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा और आपको साथ में मिलेगा 3x कवरेज फ्रॉम डे 1, यानी कि पहला ही क्लेम आप 3 गुना ले सकते हैं। 10 लाख रुपए की पॉलिसी में पहला ही क्लेम आप 30 लाख रुपए का ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सिक्योर बेनिफिट आपका डबल हो जाने वाला है और 2 साल बाद प्लस बेनिफिट ऐड होने के बाद आपको 4x कवरेज मिलेगा, यानी कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी में 2 साल बाद आप 40 लाख रुपए का पहला ही क्लेम ले सकते हैं। सो फॉक्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपनी क्वेरीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में और मुझे मेल पर, साथ ही मुझे फ़ोन कर भी मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके जो भी क्वेरीज़ होंगी, जो भी सवाल होंगे, मैं उनका कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंश्योरेंस सेवा को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए जय हिंद।